इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम ज़िला में कोविड 19 मरीजों के तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। दूसरी तरफ पॉजिटिव से निगेटिव होने वालों को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। गरीब नवाज फाउंडेशन की जानिब से कोविड 19 मरीजों के लिए ड्राई फ्रूट्स के किट्स तकसीम किए गए। बेलगाम जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जिनके ज़ेर निगरानी कोविड 19 मरीजों की देखभाल है, इन्हें सुपुर्द किया गया। खास किस्म के खजूर, चिक्की, कलौंजी और तमाम दवाइयों को तिब्ब नबी से इलाज पाया गया और बेलगाम DC SB बमनोहर नली साहब ने भी मरीजों को ड्राई फ्रूट्स देने की इजाज़त दी है। डॉक्टर काजी ने कहा कि कोविड 19 की अब तक दवा नहीं निकली है, लेकिन पॉजिटिव मरीज जो पाए जा रहे हैं अपने अंदरूनी कुव्वत से शिफायाब हो रहे हैं, लिहाजा तकरीबन 40 से भी ज्यादा किट बनाकर दिए गए। इस वक्त जनाब कटगरी हजरत, जनाब मुश्ताक अशफी साहब, जनाब मुफ्ती मंजूर मिसबाही साहब, अजीम पटवेगार साहब, नजीर पटवेगार साहब, मकसूद पटवेगार और दिगर मेम्बरान इस वक्त मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक एक पैकेट में 100 ml शहद है, 100 ml जैतून तेल है और कलौंजी के बीज हैं, उसके साथ चिक्की है, खजूर है, शहद, तो सब मिला के पैकेट एक आदमी को 20 दिन आने का करें तो इसीलिए ये एक आदमी को 20 दिन होने के हिसाब से हम दिए हैं। ये गरीब नवाज फाउंडेशन से दिया जा रहा है।